हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ उसाम अरियास। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल बायोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी? तो आज की इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि सेल बायोलॉजी बेसिकली क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है सेल बायोलॉजी की। लेट्स कम अप विद अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी, आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो होती है इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स की जितनी भी हम स्टडी करते हैं उसको हम किस चीज़ में रखते हैं? सेल बायोलॉजी में। तो अब सेल बायोलॉजी और सेल ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज अ सेल? तो सेल की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो है, वो सेल होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली मेड अप ऑफ सेल होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन वायरसेस की होती है, वो एसेलुलर होते हैं, मींस विदाउट अ सेल, जो विदाउट अ सेल होते हैं। तो इसके अलावा सेल ऑर्गेनली, तो एक सेल ऑर्गेनली जो होता है वो एक द ऑर्गेनिक मैटर विद इन अ सेल विच प्ले अ वाइटल रोल, अ वाइटल फंक्शन इन मेंटेनिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो विद इन द सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सारे फिनामिना को जिसमें सेल और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्टडी को हम क्या? साइटोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, ए सेल विच प्ले ए वाइटल फंक्शन। ठीक है, तो इसकी जो वाइटल फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इस एक सेल की, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? तो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेसिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, विदाउट सेल बायोलॉजी हम मेन बायोलॉजी को समझने में हमें मुश्किल पेश आएगी। तो इसके लिए हमें सेल बायोलॉजी में एक स्ट्रांग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। विदाउट हैविंग स्ट्रांग बैकग्राउंड हम जो बायोलॉजी है, मेन बायोलॉजी, उसको आसानी से नहीं समझेंगे।